भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। जब भी टीम इंडिया के सिलेक्टर्स और कप्तान उन्हें टीम से बाहर करते हैं तो उनके फैंस जस्टिस के नारे लगाने शुरू हो जाते हैं। ऋषभ पंत और केएल राहुल की वजह से संजू सैमसन को कई बार टीम से बाहर बैठना भी पड़ा है, जो कि उनके फैंस को बिल्कुल भी रास नहीं आता है। और यही कारण है कि फैंस टीम इंडिया मैनेजमेंट की जमकर लगातार आलोचना भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब भी संजू सैमसन को मौके दिए जाते हैं तो वो इस मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहते हैं। फ्लॉप प्रदर्शन से वो अपने लिए मुश्किलें और बढ़ाते हुए नजर आते हैं। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20 सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह भी दी थी। इन दोनों ही मैचों में वो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका टीम से अब आने वाले समय में हमेशा के लिए पत्ता कट सकता है। लेकिन उनके साथ दो और ऐसे खिलाड़ी हैं जो संजू की तरह अब शायद टीम इंडिया की अगली T20 टीम में आपको नजर नहीं आ सकते हैं। इसमें पहला नाम है भारतीय टीम के तेज गेंदबाज खलील अहमद, जिन्हें एक उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में तो देखा जा रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि वो श्रीलंका सीरीज में दमदार प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह के लिए दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन खलील अहमद अपनी गति स्विंग की काबिलियत को साबित नहीं कर पाए हैं। भले ही श्रीलंका दौरे पर खलील अहमद को एक ही मैच में गेंदबाजी करने का मौका मिला है, लेकिन इस दौरान वो काफी महंगे साबित हुए। 3 ओवर में 9.33 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 28 रन खर्च किए और एक भी विकेट नहीं ले पाए। साथ ही काफी दिशाहीन भी गेंदबाजी की, जहां उन्होंने काफी वाइड बॉलें भी डाली। अब इसके बाद दूसरा नाम है शिवम दुबे। IPL 2024 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले दुबे से टीम इंडिया को काफी उम्मीदें थी। कयास लगाए जा रहे थे कि उनके होने से भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को थोड़ी और मजबूती मिलेगी, लेकिन वो विदेशी धरतियों पर अपनी छाप छोड़ने में अभी तक नाकामयाब रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जिम्बाब्वे और श्रीलंका दौरे पर भी दुबे जी फ्लॉप रहे हैं। मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। वहीं उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी की वजह से भी कहा जा रहा है कि उन्हें हमेशा के लिए टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। शिवम दुबे ने संजू सैमसन की तरह ही अपने खराब प्रदर्शन से सभी को निराश किया है। श्रीलंका के खिलाफ एक मैच खेलते वो सिर्फ 13 रन ही बना पाए, उसमें भी उनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे का था। वही जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों में उन्होंने 26 रन बनाने के साथ केवल 3 विकेट ही निकाले थे। ऐसे में अब शायद ही इन्हें भी आगे मौका मिले, क्योंकि इनसे पहले आपको हमेशा हार्दिक पांड्या टीम में देखने को मिलते हैं। अब आपका क्या मानना है, इन दोनों खिलाड़ियों को आगे मौके मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, और संजू सैमसन पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, आपको ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।